हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक टाबी और आप देख रहे हैं प्रोटेक्ट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एथिकल हैकिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, जो है डॉस और डीडोस अटैक। तो ये क्या होता है वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेल आइकन के साथ। तो चलिए आज की प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। डॉस अटैक, सबसे पहले समझते हैं कि बैंडविड्थ क्या होता है। तो किसी भी एक वेबसाइट की कैपेसिटी होती है कि वो एक टाइप का कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं, उसको कहता है बैंडविड्थ। अभी डॉस अटैक, तो डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो डॉस अटैक में बेसिकली ये होता है कि हैकर किसी वेबसाइट और नेटवर्क को टारगेट करता है और इतनी ज़्यादा ट्राफिक जनरेट करता है कि वेबसाइट और नेटवर्क उस ट्राफिक को हैंडल नहीं कर पाता है और आखिरकार वो बंद हो जाती है। ऐसे में उस वेबसाइट के जितने भी रियल यूजर्स होते हैं वो वेबसाइट पर अवेलेबल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, हर वेबसाइट या सर्वर की एक लिमिट होती है कि वो एक टाइम पे कितने यूजर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन ये अटैक ऐसा होता है कि जिसमें लगातार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर होती है और इसकी वजह से सर्वर स्लो हो जाता है और कई बार तो क्रैश भी हो जाता है। अगर हम वेबसाइट के सर्वर की बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वेबसाइट पे जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है वो बहुत ही स्लो काम करती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम ले कि जब भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तब बहुत सारे लोग उस वेबसाइट को विजिट करते हैं और वेबसाइट थोड़ा स्लो काम करता है। जैसे कि उस वेबसाइट की लिमिट है कि वो एक सेकंड पे सिर्फ 1000 यूजर्स को ही हैंडल कर सकता है। और अगर हम उस वेबसाइट पे डॉस अटैक करते हैं तो एक फेक ट्रैफिक शुरू हो जाता है, ताकि रियल यूजर्स जो होते हैं वो अपना रिजल्ट देख नहीं पाते, ठीक है। और जितना फेक ट्रैफिक आएगा तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी और विजिटर्स अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, हम इसे डॉस अटैक कहते हैं, जिसमें फेक ट्रैफिक भेजकर सर्वर को इतना बिजी कर दिया जाता है कि वो स्लो होते होते बंद हो जाता है और उस वेबसाइट के रियल यूजर्स डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि अटैकर है वो सर्वर पर इतनी फेक रिक्वेस्ट भेज रहा है कि जो रियल यूज़र है वो वेबसाइट को या उस सर्वर को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। अभी हम जानते हैं डीडोस अटैक के बारे में। तो डीडोस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ये थोड़ा डोस अटैक से अलग है क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक होता है। तो दोस्तों, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें कोई एक होस्ट या सिस्टम अकेले नहीं वर्क करता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम और कंप्यूटर एक साथ अटैक करते हैं। इस अटैक में सिर्फ एक ही कंप्यूटर यूजर नहीं होता है। डीडोस काफ़ी सोचा समझा और ख़तरनाक अटैक माना जाता है। इस अटैक में हैकर दुनिया भर के बहुत सारे सिस्टम को अपने वायरस से इफेक्ट करता है और बॉटनेट तैयार करता है। बॉटनेट को आप ज़ॉम्बी भी कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जिनमें वायरस आ जाता है तो वो उस हैकर के रॉबोट बन जाते हैं और वही करते हैं जो हैकर कहता है। तो हैकर जब बॉटनेट बना लेता है तो वो उन सिस्टम का यूज़ करके एक साथ किसी टारगेट वेबसाइट पर डीडोस अटैक करता है। जैसे कि हमने पहले भी जाना कि सर्वर एक टाइम पे एक लिमिट होती है कि वो कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, लेकिन डीडोस अटैक में हैकर अपने रोबोट को ऑर्डर देता है और बहुत सारा फेक ट्रैफिक जनरेट होता है जिसकी वजह से वेबसाइट पूरी डाउन हो जाती है। तो डॉस अटैक क्यों यूज़ होता है? फ्रेंड्स, डॉस अटैक यूज़ करने की कई वजह हो सकती है, जिसमें एक कॉम्पिटिशन है। जैसे अगर कोई दो कंपनी एक ही बिजनेस में ई कॉमर्स करती है तो दोनों ही चाहेगी कि दूसरे का बिजनेस न चले, तो ऐसी कंडीशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी पर डाउन करने के लिए डॉस अटैक का यूज़ करते हैं, या फिर ब्लैक हैट हैकर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम डिफरेंस जानते हैं कि डॉस और डीडोस अटैक्स में क्या डिफरेंस है। तो डॉस अटैक में सिंगल सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किया जाता है वेबसाइट को हार्म करने के लिए, और डॉस अटैक में मल्टीपल कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्शन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि अटैकर है और बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम है और ये सारे वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ये सारे मिलके इस विक्टिम के पीसी या सिस्टम या सर्वर पे अटैक करते हैं, ओके। तो दिस अटैक्स आर परफॉर्म बाय द हैकर्स फॉर टेकिंग रिवेंज, बिकॉज इन डीडोस अटैक हैकर्स डू नॉट गेट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और क्रिएट अ ग्रेट लॉस ऑफ विक्टिम। तो डॉस अटैक से हैकर्स को कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है, लेकिन एक रिवेंज लेने के लिए ये अटैक यूज़ किया जाता है। कि सोच लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी है, अगर उस पर आप डॉस या डीडोस अटैक करते हो, अगर 15 मिनट के लिए भी वो साइट डाउन हो जाती है तो आप सोच सकते हो कि अमेजोन का कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ओके। तो दोस्तों, ये होता है डॉस और डीडोस का। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं डालूंगा तो स्ट्राइक दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार इसे लाइक कर दो, चैनल पर नया आया तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स के ट्यूटोरियल्स और टेक ट्रिप्स से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दिस इज प्रतीक डाबी, ओवर एंड आउट।